ताकत का पता चलेगा कि कितने किसान इसके हक में है, यह भी अब सामने आएगा। तो शक्ति प्रदर्शन को ताकत वैसे नहीं है, लेकिन नंबरों की ताकत का जरूर एहसास होगा सरकार को कि बहुत सारे बहुगिनती किसान जो है वो इस किसान आंदोलन के हक में है और किसान बिलों के खिलाफ। आपको लगता है किसान बिल वापस ले लेगी सरकार ये ताकत देखने के बाद? क्या केवल पंजाब हरियाणा के किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी आ गए हैं, बाकी जगहों से भी आए हैं, इसलिए वापस ले लेना चाहिए? आपको उम्मीद है ऐसी? बिल्कुल उम्मीद है, मुझे लगता है। देखिए, सरकार तो लोगों की चुनी हुई सरकार है ना। मान लीजिए कल तक सरकार को ऐसा लग रहा हो सकता है कि देखो ये सभी किसानों का आंदोलन नहीं, और उनकी बात हो सकता है वाजिब भी हो, लेकिन अगर सरकार को ये एहसास होगा कि नहीं ये जन जन की आवाज है तो क्यों नहीं सरकार सुनेगी। सरकार लोगों की आवाज सुनती आई है और सुनेगी भी, हमें यकीन है कि सरकार इस बात को सुनेगी और समझेगी और इन भावनाओं की कदर करेगी। गौरव भाटिया, जो बात सरकार ने 60 दिन में नहीं सुनी, जो बात सरकार से 11 दौर की बातचीत में किसान सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए कि आप ये बिल पूरी तरह से वापस ले लीजिए, इनको रद्द कर दीजिए, वो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड से मान जाएगी सरकार? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो ये कहना आवश्यक है कि किसानों को अनुमति देना सरकार द्वारा कि वो ट्रैक्टर परेड निकाले, अपने आप में जो किसानों के लिए सम्मान है सरकार का वो प्रतीत होता है, स्पष्ट हो जाता है। और मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदार सरकार ने एक बहुत ही सकारात्मक रवैया अपनाया हुआ। हमने बातचीत करी है 11 दौर, सब जानते हैं 1.5 साल के लिए हम कानूनों को रोक रखेंगे, ये भी हमने कहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर किसान, कुछ संगठन ऐसे हैं जो अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर परेड निकालनी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो भी किसान भाई हैं जो ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस पे आपके कंधे से किसी की बंदूक ना चले, कोई ऐसी घटना ना हो कि पूरा देश शर्मिंदा हो, और जो हमारे पुलिसकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डटे हुए हैं आपकी सुरक्षा में भी और देश की भी, तो ऐसा कुछ ना हो जाए कि उनका जो शौर्य है उस पर कहीं आंच आ जाए, ये जिम्मेदारी इनकी है। मैं अभी सुन रहा था अकाली दल के प्रवक्ता को, और मुझे जो जानकारी है, मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि कई दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे। इतना बताएं सिरसा जी कि ऑर्डिनेंस आने के बाद और उसके बाद जब कानून आया तो ऑर्डिनेंस में आप समर्थन कर रहे थे, आपके वरिष्ठ नेता, आप पलट क्यों गए? और दूसरा, सुरक्षा की आपने बात करी, मुझे अच्छा लगा, ये भिंडर वाले आतंकवादी है कि नहीं है, केवल इतना दर्शकों को बताइए, आपके मुख से पार्टी के जो आपका स्टैंड है वो हम जानना चाहते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ा।